नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टोटल सर्किट में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वेरिएबल ट्रांसफार्मर। इसलिए वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसे, और वेरिएक भी और डिमर सेट भी बोलते हैं। इसका काफ़ी जगह पे उपयोग होता है। इसका इंडस्ट्रियल के अंदर एसी मोटर और डीसी मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी काम में लिया जाता है, और सर्वो स्टेबलाइजर में भी ये काम में आता है, और ये एक टेस्टिंग टूल के अंदर भी बहुत इसका उपयोग होता है। यानी खासकर उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी टूल है। तो चलिए, तो इसको कैसे यूज़ में लेते हैं। और इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी देता हूँ। यहाँ पर एक कोयल का सिंबल बना हुआ है, जो सी से ए तक ये जो वाइंडिंग है, ये गोल पूरी पूरी ये सी और ए तक है। और यहाँ पर बीच के अंदर एक टेपिंग निकाली हुई है, जो बीच के अंदर ये वाली जो टेपिंग है, तकरीबन ये 25 या 30 टन के बीच में ये टेपिंग निकाली हुई है। और आगे ये ई है, जो ई यहाँ पर जो ये कार्बन लगा हुआ है इसका, इस कार्बन से यहाँ पर ये आउटपुट के लिए है। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे वैसे वैसे वहाँ की टेपिंग का इसमें आ जाएगा। और आगे जो इसकी वाइंडिंग है, एक ट्रोडायल कोर होती है, उसके ऊपर इसकी वाइंडिंग की हुई है, जो इस प्रकार से होती है। यानी मैं आपको एक छोटे रूप में ये दिखा रहा हूँ, कोयल ऐसे इसकी वाइंडिंग की हुई होती है, जो एक तरफ से इसको इंसुलेशन को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ये इंसुलेशन को यहाँ से रिमूव किया है, और यहाँ के अंदर बीच के अंदर जो ये इंसुलेटेड है, ताकि ये आपस में वायर शॉर्ट नहीं हो जाए। और ये जैसे जैसे ये कार्बन इसके ऊपर जहाँ पर चलेगा वैसे वैसे वोल्टेज की रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। ये यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, जो ये स्प्रिंग के दबाव बना रहता है स्प्रिंग से ऐसे। और मैं इसको थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ अंदर कैसे इसकी वायरिंग है आउटपुट की। ये वायर लगा हुआ है, ये सीधा वायर इसके साथ में कनेक्ट है, ये वायर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देता हूँ। ये सीधा इससे ही कनेक्ट है, और बाकी इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसके। अब वेरिएक को चालू करने से पहले एक बार इसके सर्किट डायग्राम को भी देख लेते हैं, जो मैंने ये सर्किट डायग्राम बना रखा है इस वेरिएक का। जो ये गोल गोल है, ये मैंने इसकी वाइंडिंग बना रखी है यहाँ से यहाँ तक की। ये जो पूरा ये पूरी वाइंडिंग है, जो ये यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ पर मैंने पहले सिरे जो इस सी है इसके ऊपर मैंने जीरो टर्न लिख रखा है, जो यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ेंगे यहाँ पर। और ये वाला जो तीर का निशान है, ये इसकी नोब है, और ये कार्बन है, जो जिसको जैसे जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे जिस टेपिंग के ऊपर, वहाँ के वोल्टेज को ये ले लेगा और ई को दे देगा। यानी ई इसका आउटपुट है इन फेस। और 150 टर्न पे मैंने इसका बीच का टेपिंग ये सिर्फ लिख ही रखा है यहाँ पर 150 टर्न, और ये 275 टर्न पे ये टेपिंग है, जो ये टेपिंग दिखाई थी ये 275 टर्न पे है, और ये 300 टर्न पे है इसकी टेपिंग।
इसको यहाँ से जोड़ेंगे ऐसे, तो ये जितना इनपुट इसमें देंगे उतने ही आउटपुट निकलेगा। और इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये 275 वाले टेपिंग से इसे जोड़ देंगे, तो ये थोड़ी बहुत वोल्टेज बूस्ट करके अपने को दे देगा। तो इसको अब टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सी के साथ में न्यूट्रल को कनेक्ट करूँगा। जो ये ब्लू वाला वायर है ये न्यूट्रल का है, और एक आउटपुट का भी मैं जोड़ देता हूँ बल्ब के साथ में। इसका ब्लैक वायर न्यूट्रल के साथ में जोड़ देता हूँ, यानी और ये आउटपुट में जोड़ देता हूँ बल्ब के वायर को। और इसके मैं नोब भी लगा देता हूँ। अब मैं पावर को चालू कर देता हूँ। बल्ब थोड़ा थोड़ा जलने लग गया है, ये कम होएगा यहाँ पर। जैसे जैसे न्यूट्रल वाली लाइन के पास में लाएंगे बिल्कुल बंद हो जाएगा बल्ब, और धीरे धीरे ग्लो करने लग जाएगा ऐसे। ये इसका फूला गया। वोल्टेज टेस्ट करके देख लेते हैं। पावर को मैंने काट बंद करके एक न्यूट्रल पे लगा दिया, और इसको आउटपुट पे लगाएंगे या इनपुट पे, दोनों पे टेस्ट करेंगे। ये तो इनपुट है जो 202 वोल्टेज आ रहे हैं, और ये आउटपुट है यानी 35.8 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। मैं इसको फुल करता हूँ। फुल पे वही आएगा यानी 199 वोल्टेज, और ये 202 वोल्टेज, यानी जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट के अंदर आ रहा है। ये यहाँ पर ये इसका फुल स्केल है यानी 205 वोल्टेज। ये कार्बन यहाँ पर टच नहीं हो रहा, लास्ट में आकर के थोड़ा बहुत ही यहीं टच हो जाता है, इसलिए अब ये तो हो गया इसका यानी 300 वोल्टेज की टेपिंग पे जो मैंने लगाया है वो। अब ये 275 वाले टेपिंग में मैं इस पर इनपुट लगाता हूँ, तो आउटपुट में क्या दिखाता है तो उसको कैलकुलेशन करके भी देखेंगे आगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। पावर को ऑफ कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर लगा दिया मैंने इसको। अब पावर को चालू कर देता हूँ। ये इसमें इनपुट 202 वोल्टेज आ रहे हैं, और आउटपुट का जो फुल स्केल है ये इस पे आ जाएगा यानी 220 वोल्टेज, यानी 20 वोल्टेज अपने को बूस्ट करके ये दे रहा है। और इस पे आप देखते हैं आउटपुट पे। तो अब इसके जो टर्न कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होता है।
मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ इसको। अब इस सर्किट के अंदर ये आउटपुट वोल्टेज में यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनपुट के अंदर अपने पास 200 वोल्टेज है, यानी रन प्रति वोल्टेज आपने को निकालना है पीवी, और अपन इस पे 275 वोल्ट की टैपिंग में इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पर 275 वोल्टेज एंड 275 टर्न लिख देते हैं, 275 टर्न वाली टैपिंग पे अपन इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर यानी इनपुट पे 200 वोल्टेज है और 275 टर्न की टैपिंग पे अपन इस पे इनपुट दे रहे हैं, तो ये आ गया पॉइंट बेहतर पॉइंट बेहतर। अब इसको आउटपुट के अंदर ये यहाँ पर 300 टर्न है, तो इसको 300 टर्न से गुणा कर देंगे, क्योंकि तो आउटपुट के अंदर 218 वोल्टेज ये आउटपुट के अंदर 218 वोल्टेज अपने को मिलेंगे। इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं टर्न प्रति वोल्टेज निकालने के लिए। अगर यहाँ पर 300 टर्न पे देना है तो यहाँ पर 300 टर्न निकाल के और इसके जो बीच के टैपिंग है इस पे 115 पे, यानी इस 200 इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर 100 यानी 100 वोल्टेज ही मिलेंगे अगर 300 वोल्टेज की टैपिंग लगाएंगे यहाँ पर। अब इस वेरिएबल ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब बैरियर को पूरा इसको खोल लिया है, यानी हर पार्ट को अलग अलग कर लिया है, सिर्फ ये वायरिंग ही मैं रहने देता हूँ, और इसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना के देखते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कितना करंट आउटपुट में देता है। वीडियो में बने रहिए आगे। अब इसमें करंट टेस्ट कर लेते हैं कितना करंट दिखाता है। यानी 200 एम्पीयर के करीब आ रहा है इसका शॉर्ट सर्किट में 200 एम्पीयर पे। अब आउटपुट के अंदर जो एसी वोल्टेज आ रहे हैं वो भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसमें बहुत ही कम वोल्टेज आएंगे क्योंकि यहाँ पर अब 3 टर्न ही लगाए हैं आउटपुट में। पावर को ऑन कर लेता हूँ तो ये 1.9 के करीब एसी वोल्टेज आ रहे हैं, 1.9 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।